नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी पे। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर विवादित बयान देकर चर्चा में रहती हैं। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर ने कहा कि स्थापना दिवस के दिन आज़ाद समाज पार्टी संकल्प लेगी कि 2022 में हम चुनाव जीत कर सरकार बनाएंगे और जनता को सभी परेशानियों से निजात दिलाएंगे। और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 साल में जनता बेहाल हुई। आइए पूरी बात जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं और आए दिन कोई न कोई विवादित बयान देती है। इसी कड़ी में लखनऊ में सोमवार को आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने यूपी क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में जो जनता बेहाल हुई है वो बीजेपी के कारण हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि सबको शिक्षा देंगे और सबका सबका विकास करेंगे, लेकिन पिछड़े आदिवासी जैन बौद्ध मुस्लिम और दलितों का विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पूरे देश में साइकिल यात्रा निकालकर सरकार के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि वह फैले की सरकार को रखना चाहते हैं या फिर वापस भेजना है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि स्थापना दिवस के दिन आजाद समाज पार्टी संकल्प लेगी कि 2022 में हम चुनाव जीत कर सरकार बनाएं और जनता को सभी परेशानियों से निजात दिलाएं। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों के समर्थन में रहेगी और उनके मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ेगी। हम तैयार कर रहे हैं कैसे बीजेपी को रोका जाए। ऐसे दल जो हमारे मुद्दों से सहमत रहेंगे उनके साथ गठबंधन करेंगे ताकि बीजेपी को रोका जा सके। चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने राजभर से भी मुलाकात की, जिसमें पिछड़े वर्गों के भाईचारे को लेकर कैसे काम किया जाए इस पर बात की। उन्होंने आगे कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है और सारी सीटें भी हमारी हैं, क्योंकि मैं बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारी पार्टी साइकिल यात्रा के बाद जो भी तय करेगी उस पर मैं कार्य करूंगा। मैं अपने लोगों को तैयार करूंगा कि वह अपना राज्य स्थापित करें, क्योंकि आज हम रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। यूपी के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे पार्टियां जद्दोजहद में लग गई हैं। हर पार्टी अपनी कोशिश में लगी है कि किसी तरह इस बार चुनाव जीता जाए। देखना यह होगा कि इस बार की बाजी कौन मारता है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।